हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास आज दो बड़े ओकेजन्स यहाँ पे हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज वसंत पंचमी भी है विशिंग यू ऑल दिस वसंत पंचमी मे द गॉडस अस दिस विजडम गिव अस दिस नॉलेज ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें सक्सेस अचीव कर सकें रिपब्लिक डे आज है और uh, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल्सो रिगार्डिंग दिस रिपब्लिक डे अगर हम चर्चा करें तो देखिये एक बहुत सी सिंपल सी चीज यहाँ से क्वेश्चन भी है आपके लिए कि ट्वेंटी सिक्स जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे इस तरह से हम मना रहे हैं इन्वायरमेंट सीरीज भी आपकी शुरू होगी एक बार आप आ, आ, क्लियर कर दीजिए वॉइस इज़ फाइन और नॉट एम आई ऑडिबल दिस वॉइस इज ओके हैप्पी रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट हम कर रहे हैं क्या आपको पता है पहले जो रिपब्लिक डे है ना जिस तरह से आ, ये आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं ट्वेंटी सिक्स जनवरी पहले इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम ट्वेंटी सिक्स जनवरी को सेलिब्रेट करते थे नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले नाइनटीन सेवन से पहले तो फिर रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को क्यों मना रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही हमारा बन के तैयार हो गया था अगर आप देखोगे नवंबर के अंदर ही एंड दिस ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन क्लियर ऑलमोस्ट दो महीने पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया था तो फिर हमने छब्बीस जनवरी की डेट को क्यों चूज़ किया दस एज द क्वेश्चन क्यों छब्बीस जनवरी को हमने यहाँ पे चूज किया है अनुराग ने आंसर किया है एंड दिस इज द राइट आंसर इन लाहौर सेशन वॉज देयर और लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का वहाँ पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ था 1929 के अंदर कि अब हम जो है पूर्ण स्वराज के लिए जाएंगे फाइन टोटल इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे सॉवरिटी के लिए जाएंगे यहाँ पे तो ये जो रिजोल्यूशन है ये लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन के अंदर इसको पास किया गया और इसका जो डिक्लेरेशन किया गया एक प्रोमोलगेशन किया गया दिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ऑफिशियली प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ तीस को ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन किया गया कि ये जो अंग्रेजों का राज है है ना ये हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है लोगों का एक्सप्लोइटेशन तो कर ही रहा है हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्लीट कर रहा है हमें नुकसान पहुंचा रहा है हमारा एक्सप्लोइटेशन कर रहा है हर तरीके से इसने हमें किया है हर तरीके से हर फील्ड में इसने नुकसान पहुंचाया इसलिए अब हम चाहते हैं ये जो ब्रिटिश राज है इससे हम आजादी चाह रहे हैं पूर्ण स्वराज की बात हो रही है टोटल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है सॉवरिटी की बात हो रही है फाइन तो उस समय पे फिर कांग्रेस ने कहा कि आप सभी जो है इस इस दिन को ट्वेंटी सिक्स जनवरी को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करिए स्वतंत्रता दिवस मनाइए और उसके बाद से नाइनटीन फोर्टी सेवन तक इसी को जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में पूर्ण स्वराज डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया लेकिन हमें इंडिपेंडेंस पंद्रह अगस्त है उस समय पे मिली तो फिर हमारे सामने इस डे का इंपॉर्टेंस था है ट्वेंटी सिक्स जनवरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया गया था ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को ये डेट याद रखना यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है विद रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक डेट तो ये डेट आप याद रखेगा तो फिर हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन uh, को अडॉप्ट तो कर लिया था ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्रभाव में कब से आया ट्वेंटी सिक्स जनवरी से तो ट्वेंटी सिक्स जनवरी को रिपब्लिक डे हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे मना रहे हैं एंड डेफिनेटली वी नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस क्योंकि जनरली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं है ना तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आज प्रेसिडेंट हैं जनरली क्या होता है जो राष्ट्रपति होते हैं उनका uh, चाहे रिपब्लिक uh, डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो उसकी ईव पे एड्रेस होता है एक जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं तो प्रेसिडेंट के एड्रेस की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें क्या वो कह रही हैं देखिए इंडिया हैज़ सक्सीडेड एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज मैनी क्रीड्स लैंग्वेज हैव यूनाइटेड एंड नॉट डिवाइडेड द कंट्री क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो जितने भी सो कोल्ड एक्सपर्ट्स हैं यूरोप के अंदर अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बिल्कुल वो श्योर मान के बैठे थे कि 1947 के अंदर भारत का ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका है ना एक पाकिस्तान बन गया है और एक सो so कॉल्ड इंडिया उस समय पे जो है उन्होंने कहा कि ये बन तो गया है इंडिया लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे देश बनेंगे देवर सो श्योर क्योंकि यूरोप का अगर आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो वहाँ से आपको पता चलता है कि जहाँ पे लैंग्वेज अलग थोड़ा सा जोग्राफिकल कल्चरल डिफरेंसेज अलग हैं तो वहाँ पर पूरा देश ही अलग है क्लियर काफ़ी सारे देश तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उससे भी छोटे छोटे हैं तो उनको ये पूरा विश्वास था कि इंडिया का एक डिवीज़न तो 47 में हो गया आने वाले टाइम में और बहुत सारे डिवीज़न होंगे बहुत सारे देश यहाँ पे बनेंगे लेकिन ये हमारी सक्सेस इस तरह से रही डेफिनेटली वी नीड टू गिव क्रेडिट टू आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन दिस रिगार्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया कि यहाँ पर जो भी डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट कर लिया गया है ना और ये जो डाइवर्सिटी है यही हमारी यूनिटी बन सामने आई इसी का जिक्र यहाँ पर यह किया जा रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है आप पूरे विश्व के अंदर उठा के देखिए इतनी जो डाइवर्सिटी है है ना कहाँ पे एक कंट्री के रूप में सामने आ रही है अगर आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे पंजाब बंगाल में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है फिर भी एक देश के अंदर सो दिस इज द थिंक और ये जो असेंस है दैट वॉज एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हम टेस्ट ऑफ द टाइम के अंदर खड़े उतरे हैं यहाँ पे जो लोगों को जिन क्षेत्रों के अंदर जिस फील्ड में ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी वहाँ पे ऑटोनॉमी भी है और जहाँ पे यूनिटी एंश्योर होनी चाहिए थी वो यूनिटी भी है वी हैव लार्जली रिमेन ट्रू टू आर एक्सपेक्टेशन और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए सर्वोदय का जो गांधी जी का प्रिंसिपल है जिसमें है अपलिफ्टमेंट ऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सभी का उदय अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल तो सर्वोदय का जो प्रिंसिपल है इस पर हमें आगे बढ़ना होगा यह हमारा एक गोल हम रख सकते हैं और इस गोल को अचीव करने का प्रयास लोगों को भी करना है और डेफिनेटली स्टेट को गवर्नमेंट को तो करना ही है इसके अलावा इंडिया की कुछ सक्सेस की ये बातें कर रहे हैं आ, कि किस तरीके से देखो कोरोना के बाद भी जो है इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रो कर रही है आज वर्ल्ड के अंदर एक ब्राइट स्पॉट है इंडिया ये नहीं कह रहा है पूरा विश्व ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट के रूप में है आशा की किरण यहाँ नजर आ रही है और ऑलरेडी इंडिया जो है वापस से वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है द अल्टीमेट प्रेसिडेंट इज कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए इस तरह का एक माहौल बनाना इस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट करना इस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट करना जहां पे प्रत्येक सिटीजन एवरी सिटीजन जो है अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सके क्लियर तो इसके सेंस में क्या है जो वल्नरेबल सेक्शन है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जो समाज के निचले तबके पे हैं चाहे वो गरीब हो या किसी भी और दूसरे डिसएडवांटेज पोजीशन में हो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सके ठीक है खुद के लिए भी बेहतर भविष्य बना सकें और देश के डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें सो दिस इज बेसिकली द समरी और द क्रक्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स एड्रेस ऑन द ईव ऑफ दिस रिपब्लिक डे आगे चलेंगे आ, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए प्रेसिडेंट एड्रेस रिपब्लिक डे का ये तो हमने किया है पुलिस रिफॉर्म पे एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत अच्छा आर्टिकल है प्रकाश सिंह जी खुद ने लिखा है प्रकाश सिंह जो हैं डीजीपी रह चुके हैं यूपी और असम के अंदर और प्रकाश सिंह वाला जो केस आता है ये वही प्रकाश सिंह है अगर पुलिस रिफ़ॉर्म आपने टॉपिक पढ़ा है सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह वाले केस के अंदर डायरेक्शन है सात मेजर डायरेक्टिव है जो पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग है कई बार हमने डिस्कस किया तो उन्हीं की तरफ से ये आर्टिकल है पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इस पर चर्चा होगी क्या क्या चैलेंजेस हैं ये जी पेपर फोर के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पेपर थ्री में भी लिंक हो रहा है और जीएस पेपर टू में ब्यूरोक्रेसी या गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म से भी रिलेट हो रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी में पेपर थ्री में भी रिलेट हो रहा है तो ये एडिटोरियल पार्ट में आएगा एक मल्टी पॉलरिटी पे आज एडिटोरियल है तो ये भी अब करेंगे मल्टी पॉलरिटी वाला हिंदू में है पुलिस रिफॉर्म वाला इंडियन एक्सप्रेस में पी की बात करेंगे सरकार की तरफ से इस पर फोकस है साइंस एंड टेक में आ जाएगा ग्रीन कॉमेट को लेकर एक न्यूज है ये भी साइंस एंड टेक में आ जाएंगी जल जीवन मिशन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे इसके अलावा एक और छोटी सी न्यूज़ है अर्थ का जो रोटे आ, कोर है इनर कोर है उसका रोटेशन स्लो हो गया तो उसको लेके एक न्यूज़ आइटम हमें देखने को मिलेगा फिर कुछ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन और मेन्स आंसर राइटिंग है इस तरीके से चलेगा शुरू करते हैं ये जो सेशन है करंट अफेयर की क्लास है डेली बेसिस पे आपकी होती है जहाँ पे हम प्री और मेंस के परस्पेक्टिव से चीज़ों को कवर कर रहे हैं इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लास है उसके लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर लेना तो आज एक बजे आपकी आर्ट एंड कल्चर का क्रैश कोर्स चल रहा है जो फ्री क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और अभी आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है अन अकेडमी के सभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड आर बी लाइव वट आर द बेनिफिट्स एक ही जगह पे सारी चीज़ें अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ लेक्चर्स नोट्स स्टडी मटीरियल फाइन टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है और एक ही बार फीस आपको देनी है सभी चीजों के लिए वन टाइम फी पेमेंट है ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिंक इस पे टेलीग्राम पे भी हैं पी भी यहाँ पे आपका इवनिंग तक अपडेट हो जाता है क्लास जो फ्री क्लास है उसका लिंक इस सेशन का लिंक नोटिफिकेशन अपडेट ये टेलीग्राम पे इसको नाम डाल के आप सर्च कर लेना पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म की चर्चा करते हैं देखिए पुलिस के रिफॉर्म की चर्चा क्यों की जा रही है और अगर आप ये देखेंगे प्रकाश सिंह जी का जो आर्टिकल है किस कॉन्टेक्स में अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो डीजीपी हैं डीजीपी जो हेड ऑफ द पुलिस होते हैं पर्टिकुलर स्टेट में उनकी की गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो खुद ने पर्सनली उसको अटेंड किया है तीन दिन तक डेली तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि किस तरीके से जो है जो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं या पुलिस को फिट बनाने की बात की जा रही है उसको सीरियसली लिया जा रहा है लेकिन इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं ऊपर से मैक्रो बड़े बड़े जो इशूज़ हैं उनको तो देख रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस क्या है सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं फाइन उनको मैक्रो लेवल पर देखा जा रहा है मैक्रो लेवल पे देखा जा रहा है जैसे आज के परिपेक्ष में आज के कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्प्ररी इंडिया के अंदर हम बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं आप देखो कि मिलिटेंसी के जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं हाइब्रिड मिलिटेंसी हमारे यहाँ पे देखी जा रही है फाइन काउंटर टेररिज्म एक हमारे सामने समस्या है क्रिप्टो करेंसी को लेकर इश्यूज हैं ड्रग ट्रैफिकिंग तस्करी जो हो रही है रेडिकलाइजेशन की समस्या हमारे सामने है ये कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं तो इनको हम कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में मैक्रो स्केल पे चर्चा है लेकिन ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएं वो तो अच्छी बात है बट एट द सेम टाइम हमें अपना जो ग्रास रूट है है ना जो बेसिक्स हैं उसको तो क्लियर कर लें अगर हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी इन सब चीज़ों को कैसे अचीव करोगे ये सिक्योरिटी चैलेंजेस कैसे फेस करोगे तो कह रहे हैं कि हमें जो है ग्रास रूट प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा और इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं है ना इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है कुछ बड़े सिटीज को छोड़ दीजिए मॉडल पुलिस स्टेशन को छोड़ दीजिए बाकी आप देखोगे तो हमारे जो पुलिस स्टेशन है उनकी स्थिति बड़ी खराब है और ये इस तरह से है कि आपने कोई बिल्डिंग बड़ी सारी बनाई है लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है नींव है उसको स्ट्रांग नहीं किया है वो बिल्कुल रेत पे है और रेत अगर इधर उधर होती है सेंड तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो कह रहे हैं हमारा सबसे वीक लिंक जो है ये पुलिस स्टेशन ये है क्यों है पहली चीज यहाँ पे आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा लेक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है हाउसिंग फैसिलिटीज एंड हैं बिल्डिंग खस्ता हालत के अंदर आपको देखने को मिल रही है रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है कुछ पुलिस स्टेशन तो ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस के पास खुद का व्हीकल भी नहीं है काफी सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल वगैरह की इसकी व्यवस्था नहीं है क्लियर कहीं पे वाई जो वायरलेस है उसकी सुविधा नहीं हो रही है तो ये ये स्थिति बनी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दूसरा है यहाँ पे पुलिस का जो स्टाफ है ये ओवर इनके ऊपर जो लोड है काफ़ी ज़्यादा है वर्क लोड बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल अगर देखें एक एवरेज जो पर्सन है वो चौदह चौदह घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है ट्वेंटी फोर सेवन जब भी कोई समस्या होगी पुलिस हमें हेल्प करेगी क्योंकि वो जॉब ऐसा है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जिस तरह की स्थिति है या फिर आप देखोगे स्टाफ की कमी है उस वजह से चौदह चौदह घंटे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है स्टाफ इज फोटिक्ड एंड जनरली अनरेस्पॉन्सिव। अगर रूड तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं तो अनरेस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस ओवरबर्डन इसको डील uh, किया जाए ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल ये भी जो है प्रॉपर नहीं है क्योंकि आप देखोगे क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव में पुलिस से काफ़ी आगे हैं बहुत सारी जगह पे तो हमारे जो पुलिस थाने हैं पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर स्टाफ को ट्रेन किया जाए नॉट ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बट अगर हम बात करें और दूसरा चाहे वो लॉ की बात हो अब आ आ आ जो इमर्जिंग थ्रीट्स है उसकी बात हो जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब की बात हो तो हमें ये जो चैलेंजिंग पैराडाइम है जो वास्तव में उसके लिए डेफिनेटली हमें हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा उनको ट्रेन करना पड़ेगा तो ये जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स में पुलिस का रोल सबसे बड़ा आएगा भाई कोई भी चैलेंज हो रहा है चाहे किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है आ, तो सबसे पहले किसको आप जाते हो पुलिस स्टेशन का रोल आता है इवन अगर कोई वहां पे इनकम टैक्स की रेड भी है तो भी पुलिस का सपोर्ट चाहिए अगर कोई घटना हो गई है किसी तरह से दंग, दंगा वगैरह है या फिर टेररिज्म रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं तो वहां पे भी पुलिस जो है फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में मैक्सिमम जगह पे है मैक्सिमम जगह पे क्या है फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में यहाँ पे है तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपका रहेगा यू हैव दिस वन तो क्या क्या हम यहाँ पे जो है वे फॉरवर्ड के रूप में क्या सजेस्ट कर रहे हैं जो समस्याएं हैं वहीं पे हमें सॉल्यूशन निकलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आइए आप क्लियर एडिक्यट स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि अंडर स्टाफ है बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करिए इनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फॉरेंसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराइए अदरवाइज किस तरह से क्राइम प्रिवेंशन होगा क्योंकि क्राइम होने के बाद एक्ट करना और एक प्रोएक्टिव रहना है ना अपराधियों में थोड़ा सा भय रहना एडुकेट अगर आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली आप क्राइम को होने से भी रोक सकते हैं फिर कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिस की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने 2014 में इस स्मार्ट पुलिस की स्मार्ट फोर्स की बात की थी तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए दिस इज डेफिनेटली अ काइंड ऑफ ब्रिलियंट आइडिया ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमारी जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट भी है सेंसिटिव भी है मॉडर्न भी है मोबाइल भी है अलर्ट भी है अकाउंटेबल भी है हर जो वर्ड है उसके लिए आ रहा है एस से आ गया स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल आर फॉर रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव टी फॉर टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड तो ये स्मार्ट पुलिस वाला कॉन्सेप्ट कोई भी अगर चाहे इथिक्स के पेपर में जी एस फोर में है या कहीं पे भी किसी भी तरह से लिंक किया जा रहा है पुलिस का रिफॉर्म प्रोसेस तो वहाँ पे ये स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो किसमें सॉल्यूशन में जिसको आप लिखते हो ना कंक्लूजन दर वे फॉरवर्ड तो उसमें आप इनको डाल दो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली इस पर काम होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू ऑथर ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं अगर आपने पुलिस स्टेशन को अच्छा कर लिया तो फिर सारी चीज़ें सारे चैलेंजेस अच्छे से डील कर सकते हो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आर रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ एनी थ्रीट आगे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे इंटरनेशनल रिलेशन पे आप देखोगे तो चर्चा हो रही है सो चलिए हेजीमनी ऑफ डॉलर इसको कॉन्टेस्ट करने की बात हो रही है हालांकि यहाँ पे इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से बात हो रही है लेकिन ये जो पूरा आर्टिकल है इट टॉक्स अबाउट द मर्जिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स विद जियो इकोनॉमिक्स है ना किस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं देखो जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है जो जियोग्राफी है है ना हर कंट्री की अपनी अपनी लोकेशन है ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी कंट्री के पास कुछ स्ट्रेंथ है कहीं कुछ रिसोर्सेज हैं तो के बेसिस पे जो इंटरनेशनल रिलेशन की आप यूज कर रहे हो या इकोनॉमिक जो फोर्सेस है उनका यूज कर रहे हो टू अचीव दियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ये आर्टिकल क्या कह रहा है

यूज uh, है वो बहुत कम होता जाएगा और धीरे धीरे इ रेलिवेंट होता चला जाएगा तो क्या ये वाकई में सही है नहीं है इसको ये देख रहे हैं द फैक्ट दैट मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम इज फास्ट अनफोल्डिंग तो ये तो वाकई में सच्चाई है कि मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम अनफोल्ड कर रहा है री इनफोर्स बाई क्लियर ट्रेंड्स इन पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स जियो इकोनॉमिक्स का मैंने अभी अभी मतलब बता दिया कि जो इकोनॉमिक हमारी जो फोर्सेज हैं उसका हम यूज कर रहे हैं टू अचीव द जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो जो भी ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर काफ़ी सारे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं पहले क्या था यूएसए स्पेसिफिक यूएसए सेंट्रिक ही सब कुछ था लेकिन अब देश क्या कर रहे हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमी है जैसे आप देखोगे चाइना इज देयर है ना यू हैव दिस इंडिया इंडिया इज देयर ब्राज़ील है या फिर हम जो भी देश हैं नए नए जो इमर्ज कर रहे हैं उनकी बात करें टर्की भी ले सकते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जो नई इमर्जिंग इकोनॉमी है ये क्या कर रहे हैं जो इकोनॉमिक नई इकोनॉमिक पावर्स के रूप में छोटे छोटे सेंटर्स के रूप में उभर रहे हैं और कही न कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेंटर्स ये क्रिएट कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझते हैं कहने का मतलब है कि पहले सारी की सारी चीजें यूएस सेंट्रिक थी यूएसए सेंट्रिक थी अब चीजें क्या जा रही हैं दूर जा रही हैं यूएसए से एग्जाम्पल देखें ट्रेड विद इन द ग्लोबल साउथ ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है इनके बीच में ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो कह रहे हैं जो जी सेवन देश हैं ग्रुप ऑफ़ सेवन जिसमें यू एस ए आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं है ना जापान इज़ देयर तो ये जो देश हैं इनसे भी ज़्यादा ट्रेड जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं अगर हम चाइना इंडिया टर्की और ऐसे पूरी एक लिस्ट बनाएं तो उनके अंदर हो रहा है तो जब इन देशों के अंदर डेवलपिंग देशों के अंदर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है व्यापार हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खुद की ही करेंसी के अंदर व्यापार करें ट्रेड करें इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं लास्ट ईयर जो है आपने देखा होगा लास्ट ईयर फरवरी के अंदर रशिया यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है ना रशिया ने यूक्रेन में निवेदन किया वॉर स्टार्ट हो गई युद्ध हो गया उसके बाद से आपने देखा कि रशिया पे इकोनॉमिक सेंक्शन लगे रशिया एक बहुत मेजर सप्लायर है ऑयल एंड गैस का ऑयल एंड गैस की सप्लाई कम हुई तो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुई क्लियर रशिया पे इकोनॉमिक सेंक्शन लग गए इंडिया को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा था आप सभी को पता है ऑलरेडी कितना महंगा यहाँ पे पेट्रोल डीजल है इश्यूज उसके हैं सो हैजी मींस यू कैन से काइंड ऑफ डोमिनेंस यस वर्चस कह सकते हो तो इस तरीके से uh, ये इनका चल रहा था फिर इंडिया ने देखा कि यार नुकसान तो हमें हो रहा है वॉर इनके बीच में हो रही है सेंक्शन यूएसए ने यूनी लगा दिए लेकिन नुकसान तो हमें यहाँ पे हो रहा है तो फिर इंडिया ने यहाँ पर इंश्योर किया कि क्यों नहीं डॉल क्योंकि देखिए रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लग गए तो आप वो डॉलर को यूज़ नहीं कर सकता उसके जो भी पेमेंट होंगे उसके जो भी कंपनियां हैं उसका पेमेंट सेटल नहीं किया जाएगा डॉलर के अंदर तो दिस वाज फॉर श्योर कि रशिया डॉलर को तो यूज़ नहीं कर रहा है तो इंडिया ने यहाँ पर एक क्या किया एक पेमेंट मेकनिज़म सेटल किया और उसको कहते हैं आप देखो जैसे इसने किया हुआ है वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया वॉस्ट्रो का क्या मतलब होता है आपका पैसा हमारे बैंक है ना जैसे इंडिया में एस बैंक है तो मान लो इंडिया तेल खरीद रहा है पेमेंट जाएगा रशिया की तेल कंपनी को तो पहले क्या होता था डॉलर में वो पेमेंट चला गया लेकिन अब क्या होगा इंडिया तेल खरीद रहा है तो वो पेमेंट जाएगा रुपए के अंदर रुपए के अंदर जाएगा और एस बैंक में तो एस बैंक में आपका क्या हो गया आपका पैसा है हमारे अकाउंट में दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ वॉस्ट्रो इसी तरह से नोस्ट्रो होगा अकाउंट वो रशिया में मतलब हमारा पैसा उनके बैंक में तो ये हमने मैकेनिज्म कर दिया पहले डॉलर में पैसा देना पड़ रहा था अब रुपए में ही देंगे और एसबीआई बैंक में ये पैसा हो गया अब रशिया अगर इंडिया से कुछ खरीदेगा तो उसका पेमेंट इसी अकाउंट से हो जाएगा रुपए के अंदर तो हमने क्या किया अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही इसको डील कर लिया रुपए के अंदर ही लेन हो रहा है अब हमने हमें डॉलर की जरूरत नहीं है तो इससे क्या हुआ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी रुपये को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज़ इसका बढ़ा इसी तरह की मैकेनिज्म हम श्रीलंका के साथ और बहुत सारे देशों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे क्या होगा डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी हमारी डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है या फिर डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो उस केस में भी हम इस तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड हो रहा है नेशनल करेंसीज़ में बाई पासिंग द डॉलर बाईपास करके डॉलर को बाईपास करके किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स की तरफ इशारा है स्टेप टुवर्ड्स ट्रेडिंग ऑयल एंड गैस इन द नेशनल करेंसीज और ये जो ऑयल एंड गैस का व्यापार हो रहा है आप देखोगे रशिया जो है बहुत मेजर सप्लायर के रूप में उभर के सामने आया और ये सारी पेमेंट हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा धक्का आप मान सकते हो सीरियस चैलेंज टू द पेट्रो डॉलर कम्स फ्रॉम मूव्स टू द ट्रेड एंड गैस जोन डॉलर की आपको अब आप जरूरत नहीं है आप अपनी नेशनल करेंसी में इसको डील कर सकते तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा जो वर्ल्ड है अब डॉलर से दूर जा रहा है और कुछ एग्जाम्पल देखें तो आप देखोगे रशिया के ऊपर सेंक्शन लगाए रशिया को बोल दिया कि आप स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम यूज नहीं कर सकते अब आपके पेमेंट सेटल नहीं होंगे तो फिर रशिया ने क्या किया चाइना का जो सिस्टम है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इंटर पेमेंट सिस्टम ये चाइना का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो यूएसए सेंट्रिक था पहले केवल यूएसए वाला ही चल रहा था अब चीजें दूर हो रही है और ऑप्शन आ रहे हैं फिर आप देखोगे ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये भी इन्वेस्टमेंट को व्यापार को ट्रेड को एनकरेज कर रहा है कि ज्यादा से ज़्यादा नेशनल करेंसी में हो तो आप देखोगे लगभग अप टू फिफ्टी परसेंट इसका जो लोन है वो नेशनल करेंसीज में ही चल रहा है तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि डॉलर से दूर जा रही हैं चीजें तो क्या इसका मतलब हम मान लें कि जो डॉलर है है ना इसकी हजी मनी वर्तस्व खत्म हो गया या इसका रिलेवेंस खत्म हो गया या डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है इसको होने में अभी टाइम लगेगा क्यों रीजन क्या है रीजन है कि अभी भी हम डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं हालांकि यहाँ पे डेफिनेटली देशों ने अपनी नेशनल करेंसीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि डी डॉलराइजेशन या डॉलर का जो वर्चस्व हैजी मनी है वो ख़त्म हो गई है अभी भी हमारी डिपेंडेंस डॉलर पर बहुत ज़्यादा है क्यों क्योंकि नेशनल करेंसीज में व्यापार तो हो रहा है लेकिन नेशनल करेंसीज़ फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है फुल्ली कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है देखो कोई भी करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे मुझे रुपए के बदले डॉलर चाहिए है ना तो आप डॉलर दे दो या फिर डॉलर के बदले मुझे रुपए चाहिए तो वो मिल जाए तो यहाँ पे इंडियन करेंसी क्या है कन्वर्टिबल है लेकिन इंडियन करेंसी फुल सेंस में कन्वर्टिबल नहीं है अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जितना रुपए के बदले डॉलर डॉलर के बदले रुपया जो भी चाहिए वो मिलेगा तो हमारा करंट अकाउंट के अंदर क्या है करंट अकाउंट में तो कन्वर्टेबिलिटी पूरी है जितना चाहिए उतना मिल रहा है लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो कन्वर्टेबिलिटी पूरी नहीं है लिमिटेड है ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जितना चाहिए उतना आप ले लो समथिंग लाइक दिस तो ये जो फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है फुल कन्वर्टिबिलिटी डॉलर की है जितना चाहे जिस तरह से ले लो इसलिए सब यहाँ पे डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व में प्रेफरेंस दे रहे हैं इसी तरह से फुल कन्वर्टिबिलिटी आपकी यूरो की भी है इसलिए यूरो को भी प्रेफरेंस दिया जाता है यही रीज़न है कि जो ग्लोबल करेंसी मार्केट है वहाँ पर सिक्सटी अकेला डॉलर जो है ये आपका आता है और यूरो आ रहा है ट्वेंटी मतलब डॉलर और यूरो बना मिला के जो ग्लोबल करेंसी है उसका एट्टी परसेंट तक ये यहाँ पे हैं तो इतना आसान नहीं है कि इस तरीके से आप जाओगे और आप आप कहोगे कि इंडिया क्यों नहीं फुली कन्वर्टिबल कर देता है फुल कन्वर्टिबल करने पे हम क्या हैं बाहर के जो रिस्क हैं उसके लिए ओपन हो जाएंगे तो अभी इतनी थोड़ा सा हमें और आगे जाना होगा उसके बाद फुल कन्वर्टिबिलिटी लाएंगे अदरवाइज़ क्या है हमारी इकनॉमी की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है फ़ाइन कि एकदम से अगर बहुत सारा पैसा इंडिया में आ गया एकदम से बहुत सारा पैसा इंडिया में निकल गया तो फिर किस तरह से हम मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को तो इसी तरह का एक क्राइसिस एशिया में हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली जैसे थाईलैंड और ये सब कंट्रीज है वहाँ से फॉरेन कैपिटल बहुत जल्दी निकलना स्टार्ट हुआ और आप देखोगे 97, 98 में जो क्राइसिस की सिचुएशन बन गई तो अभी इंडिया फुल कन्वर्टेबिलिटी के लिए नहीं जा रहा है उसके अपने रीज़न से जो अभी अभी ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस पर यू ने प्रलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इनको भी ध्यान ध्यान रखिए

हालांकि जो व्यापार है या ट्रेड है नेशनल करेंसी के अंदर स्टार्ट हो गया है एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहां पे जो भी खाने की वस्तुएं हैं ऑयल है अदर काइंड ऑफ आइटम्स हैं उसकी खरीद फरोख्त आपकी नेशनल करेंसी में हो रही है ये चीजें स्टार्ट हो गई है और यही तो हमें इशारा कर रही है कि जो मल्टी या पॉलीसेंट्रिक जो पूरा वर्ल्ड बन रहा है है ना या जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं उसकी तरफ हमें ये इशारा कर रही है लेकिन यहाँ पे ये कह देना कि डी डॉलराइजेशन ही पूरा हो गया है ये भी सही नहीं होगा हालांकि एक ट्रेंड जरूर हम देख सकते हैं कि उस तरफ बढ़ रहे हैं डॉलर पे केवल डॉलर पे डिपेंडेंस वो अब नहीं रह रही है इन दिस एनवायरनमेंट जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स आर मर्जिंग ये दोनों क्या कर रही है मर्ज कर रही है जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है जोग्राफिकल जो आपके एस्पेक्ट हैं ना लोकेशन बेस्ड जो कंट्रीज किसी कंट्री का लोकेशन कहीं है कहीं पे है। तो जोग्राफी के बेसिस पे जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है दिस इज बेसिकली ठीक है और यहां पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मिलिट्री पावर वो थोड़ा डोमिनेंस रखती है जियो इकोनॉमिक्स में क्या है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं वो कोर सेंटर पर होते हैं तो अब आप देखोगे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों मर्ज करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में हमने देखा कि किस किस तरह से नए नए सेंटर डेवलप हो रहे हैं और जियो इकोनॉमिक्स विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द जियो पॉलिटिक्स जहाँ पे नई सप्लाई चेन क्रिएट होंगी अल्टरनेट करेंसी चेन इमर्जिंग मल्टीपल सर्कुलेशन सिस्टम्स आपके डेवलप हो रहे हैं ये सब चीजें करेंसी स्वाप एग्रीमेंट भी है करेंसी स्वाप एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है जो एक करेंसी है उसके बदले आप दूसरी करेंसी क्लियर लेट अस से कि डॉलर और पाउंड का करना है तो आपने उसको ये जैसे पाउंड दिया और इधर से ये डॉलर लिया लाइक दिस दीज आर बेसिकली करेंसी एग्रीमेंट्स नेक्स्ट आते हैं इंडिया इजिप्ट टाइप देखो इंडिया इजिप्ट टाइप अभी हमने किया है रिसेंटली किया आई थिंक ट्वेंटी जनवरी को ही हमने किया था जब ये न्यूज़ आई थी कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे तो आज वो क्या है रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट है क्लियर तो इंडिया इजिप्ट टाइप पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए हैं ये न्यूज़ क्या कह रही है काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं जैसे आप देखोगे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने बना ली है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने बना ली है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या है नॉर्मल पार्टनरशिप मतलब हमारा जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है आपका कोई फ्रेंड बना आपको लेटस uh, से कि उससे नोट्स लेने थे या कुछ ऐसा था जिससे आपका वो फ्रेंड हुआ एक दूसरा फ्रेंड है जो आपका मतलब समझिए कॉलेज का है या स्कूल का दोस्त है जिससे आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं अगर आपको पर्सनल लेवल पे भी कोई इशू है आपको खेलने जाना है घूमने जाना है तो आप उस दोस्त को प्रेफर कर रहे हो गेटिंग दिस तो नॉर्मल पार्टनर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर में क्या फर्क है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर सारे जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बाइलेटरल रिलेशनशिप के चाहे वो डिफेंस है चाहे वो सिक्योरिटी है चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कल्चरल एस्पेक्ट है ठीक है वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पॉलिटिकल सिक्योरिटी डिफेंस एनर्जी इकोनॉमिक ये सारे लिंकेजेस अब इंक्लूड होंगे मतलब हमारे इजिप्ट के साथ में फुल फ्लेजेड टाई के लिए हम जा रहे हैं इजिप्ट को अगर आप देखोगे सो यू हैव दिस फाइन अगर हम देखें तो अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें या पूरे अफ्रीका के परस्पेक्टिव से बात करें तो इंडिया के लिए एक एंट्री पॉइंट है कि अफ्रीका के साथ हम रिलेशन बेहतर करें दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे यू हैव दैट मिडिल ईस्ट है ना जहाँ पे सऊदी अरेबिया डोमिनेट कर रहा है और जो इस्लामिक नेशंस हैं है ना वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें इजिप्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है ना इसमें देखो आज एक आर्टिकल एडिटोरियल है और राजा मोहन का एडिटोरियल है मतलब ये अपने आप में क्वालिटी एडिटोरियल है यहाँ पे इसको करने के बाद ऑलमोस्ट इंडिया इजिप्ट के ऊपर सारी चीज़ें कवर होगी लेकिन अभी ये एडिटोरियल आया आज के पेपर में और इंडियन एक्सप्रेस में क्या है ये इसका जो टेक्स्ट है वो अपडेट होता है नौ दस बजे तक कुछ आर्टिकल का सात बजे हो जाता है किसी का आठ बजे किसी का दस बजे तो ये पेपर में तो आ गया लेकिन इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है हिंदू में तो हो जाता है लेकिन इसको अगर आप टेक्स्ट को न्यूज़पेपर से भी कॉपी करोगे ना तो वो अजीब सी लैंग्वेज ही कॉपी करेगा तो दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस आर्टिकल फॉर टुमारोज क्लास तो ये जो इंडिया इजिप्ट वाला रिलेशन है जहाँ पे आपने पहले नोट्स लिखे हैं वहीं पे एक पेज छोड़ देना फाइन एक पेज छोड़ देना क्योंकि अगर केवल आर्टिकल में हाईलाइट करके वो मैं पढ़ाऊँगा तो वो आपको फिर नोट्स बनाने में दिक्कत होगी है ना दैट्स वाई नॉट टेकिंग दिस वन तो ये आर्टिकल हम कवर करेंगे और अभी न्यूज़ यही है कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इसको ओके okay किया है और यहाँ पे हम एक मेजर जो फोकस है वो क्या है डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि अभी तक हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर जो है काफ़ी लिमिटेड रिलेशन थे और अब हम डिफेंस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं कैसे ले जा रहे हैं डिफेंस ट्रेनिंग है डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं डिफेंस कॉपरेशन है इन द फील्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है इन सब में हम डिफेंस पार्टनरशिप को आगे लेके जाएंगे और इसके अलावा और जो मैटर्स हैं जिसमें आप देखोगे कल्चर है यूथ मैटर्स हैं साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी इन सब पे भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो ये तो छोटी मोटी चीजें है। हैं मेन क्या है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फर्स्ट थिंग सेकेंड है हम डिफेंस ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं ये दो ध्यान रखो बाकी जो अपडेट हैं अगर आप देखोगे इंडिया इजिप्ट के रिलेशन है तो काफ़ी दोनों अपने आप में एंशियट सिविलाइजेशन है फाइन ये हम पहले कर चुके हैं आ, आ, अगर हम देखते हैं तो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर दोनों साथ थे उस समय पे नेहरू जी और इजिप्ट में जो नासिर थे दोनों ने साथ आगे यहाँ पे किया इंडिया का ई नेटवर्क प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जिसके माध्यम से इंडिया अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ाना चाह रहा है दोनों के बीच में बायोलिट्रल ट्रेड एग्रीमेंट के मध्य में लगभग पाँच छः बिलियन डॉलर का बायोलिटरल ट्रेड भी इस तरह से देखने को मिलता है ये आर्टिकल मेन रहेगा तो वी विल बी टेकिंग दिस आर्टिकल इन टोज क्लास तो जो आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर आपको क्या करना है जो आप नोट्स बना रहे हो आ, उसमें एक पेज आपको स्पेस रखना है क्लियर नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक पे आ, आ, ये एक अपडेट है आपका गाइस ये जो एन वाला बैच कोर्स है तीन महीने का ये बैच कोर्स है और थ्री ट्रिपल नाइन की फ़ीस के साथ तो ये जो फीस है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है तो ट्राई टू बी अवेयर अबाउट दिस एन फाउंडेशन कोर्स और इस कोर्स को भी आप ले सकते हो अगेन द प्रोसेस विल बी सेम सब्सक्रिप्शन लिंक टेलीग्राम पे भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वही आरबीआई कोड like यूज करना है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस ये पीसीओएस क्या होता है न्यूज़ में क्यों है न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है इंडीट अगर आप देखोगे तो उसने एक जर्नल यहाँ पे निकाला है और ये जो जर्नल है पब्लिकली मतलब स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मंथ का ये पीसीओ डिजीज पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या उसी चीज पे फोकस कर रहा है क्या चैलेंजेस है तो पीसीओ एक तरह का आपका हार्मोनल डिसऑर्डर है इसे हम पूरा फॉर्म कहेंगे पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम पी है ना मल्टी फैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर एनओवुलेशन होता है क्रॉनिक एनओवुलेशन हो रहा है मतलब जो एग है ये आप देखोगे ये ओवेरीज हैं फीमेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये ऑवेरीज हैं ये नॉर्मल ओवेरी है और ये पॉलिसिस्टिक ओवरी यहाँ पे बन रही है क्लियर तो यहाँ पे क्या होता है एन ओवुलेशन होता है मतलब जो एग है ये रिलीज नहीं हो रहा है ऑवेरी से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एग यहाँ पे रिलीज नहीं होगा तो उससे इनफर्टिलिटी का भी इशू हो सकता है वुड बी द काज एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज एज फार एज इनफर्टिलिटी इज कंसर्न प्री एमिनेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इसके अलावा इसके सिम्टम क्या है कैसे पता चलेगा पी सी ओ एस है जो पीरियड्स हैं वो इेगुलर हो गए जनरली जो टाइमिंग है उसको फॉलो करते हैं लेकिन इरेगुलर पीरियड्स आपके हो रहे हैं हिरसुटिज़म हिरसुटिज़म में क्या होता है जो एंड्रोज हैं अगर आप देखोगे एंड्रोजन ये वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं इसमें क्या होगा फेशियल जो हेयर ग्रोथ है बड़े मोटे वाले जो हेयर होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिप्स अपर लिप्स पे आ गए बैक पे आ गए तो ये बाल बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी हिरसुटिज़म हो जाता है वेट गेन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स और इस तरीके से सिचुएशन है तो दिस इज द वे मोस्ट प्रिवेलिंग फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर ये है वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो अराउंड फाइव से ट्वेंटी फाइव परसेंट तक इंडिया के केस में भी तीन से बीस प्रतिशत तक ये इसको रटना नहीं है इतने से इतने प्रतिशत बस ये ध्यान रखिए क्या ये डिसऑर्डर है क्या इसके सिम्टम है है ना और क्या इसमें रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर अलॉन्ग विद लाइफ स्टाइल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसमें एक्टिविटी नहीं है है ना आपके दिन भर बैठे रह रहे हो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे है पॉलिसिस्टिक ऑवरीज यहाँ पे ऑवरीज जो है एनलार्ज हो जाते हैं और इसके अंदर आपको जो है फॉलिकल्स uh, ये बन जाते हैं जैसा हमने देखा ये जो फॉलिकल्स हैं इस तरह से बनना है, स्टार्ट हो जाता नेक्स्ट आते हैं ग्रीन कॉमेट ये दिख रहा है और ग्रीन कॉमेट क्या है कॉमेट क्या होते हैं यू हैव दिस तो ये जो आ, आकाश में इस तरह से आपको ये लाइट से दिख रही है इसमें आपको क्या दिख रहा है टेल भी दिख रही है ना ये कॉमेट इस तरह से जिसको हम कहते हैं धूम केतु तो इसकी टेल भी ऑब्जर्व हो रही है तो ये पचास हजार साल बाद एक ग्रीन कॉमेट दिख रहा है हमें क्या जानना है कि कॉमेट्स क्या होते हैं हाँ और कहाँ पे मिल रहे हैं क्या है देखो कॉमेट ये जो अभी मिल रहा है इसका नाम है ई थ्री जेड टी एफ और ये नाम थोड़ा सा याद रखिए जनरली चांसेस बहुत बहुत ही कम है कि नाम पूछ लेगा कॉमेट के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा पहले भी पूछे मैं और अभी भी पूछ सकता है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो कॉमेट है जिसे ये जेट टी ई थ्री जेट टी एफ नाम दिया है ये बहुत क्लोज आ गया है पृथ्वी के और बिल्कुल अगर आकाश साफ रहता है तो नेकेड आई से भी हम इसको देख सकते हैं कॉमेट <coughs> होते क्या हैं कॉमेट बेसिकली क्या है कॉस्मिक स्नोबॉल्स हैं फ्रोजन गैस रॉक डस्ट तो जो गैसेस हैं रॉक है डस्ट है ये पूरी फ्रोजन फॉर्म के अंदर है और फ्रोजन फॉर्म के अंदर ये इस तरह से क्या करती हैं हमारे सन को ऑर्बिट कर रही है ठीक है इसका जो ऑर्बिट है ये जो पाथ है मतलब जिस तरह से हमारा रास्ता होता है ना एक हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो एक रास्ता फॉलो कर रहे हैं रोड तो उसी तरह से हर जो सिलेस्टियल बॉडी है जनरली प्लैनेट्स या इस तरह से होते हैं उनका एक ऑर्बिट होता है तो ये क्या है लॉन्ग पीरियड ऑर्बिट है और ये हाईली इलेप्टिकल इस तरह से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखोगे बहुत दूर सोलर सिस्टम के बहुत दूर वाले पार्ट से आ रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ फॉलो करेगा तो ये हमारे सोलर सिस्टम के काफी नजदीक यहाँ पे आ रहा है जनरली आप देखोगे तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं जो नेपच्यून है फाइन नेपच्यून जो है इसके बियॉन्ड और प्लूटो नेपच्यून प्लूटो के बीच में ये काइपर बेल्ट आपको तो देखने को मिल रही है काइपर बेल्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे कॉमेट्स देखने को मिलते हैं काइपर बेल्ट के अलावा आप देखोगे इससे भी दूर अगर हम जाएं ये हमारा सन है फाइन ये सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है इससे भी दूर जाएंगे तो एक क्लाउड है जिसको हम कह रहे हैं ऑर्ट क्लाउड ऑर्ट क्लाउड को नासा कहता है दिस इज बेसिकली होम ऑफ वट होम ऑफ कॉमेट्स धूमकेतु जो है इनका घर है वहां पे बहुत सारे जो है इस तरह से ऑर्ट क्लाउड के अंदर बहुत सारे लेटस से यहाँ पे ये यह ऑर्ट क्लाउड है और यहाँ पे इतना ही ये इस तरह से हो जाता है तो ऑर्ट क्लाउड में बहुत सारे कॉमेट्स इस तरह से घूम रहे हैं वहां से ये पर्टिकुलर ग्रीन कॉमेट आया है इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है अब देखो जो कॉमेट है उसके अंदर दो तरह की टेल्स आपको दिख रही है ये कॉमेट है ये इस कॉमेट का हेड है और इसको टेल कहा जाता है टेल दिख रही है अब टेल में भी दो तरह की टेल है ये ब्लू कलर की जो आ रही है फाइन और ये जो आपकी आ रही है तो ये जो ब्लू कलर वाली बन रही है इसमें क्या होता है ये आपकी बिल्कुल फ्रोजन बॉडी है ऐसा समझिए कि बर्फ की तरह जमा हुआ है अब ये बर्फ़ की तरह जमा हुआ है लेकिन ये जैसे जैसे सन के पास आना स्टार्ट होगा है ना यहाँ तक सब चीजें सही थी जैसे जैसे ये सूर्य के सन के पास आ रहा है तो सन की अल्ट्रा वायोलेट रेस से हीट हो रहा है हीट हो रहा है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है जो काफी वीक एलिमेंट्स है जैसे आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कहगा आयोनाइज स्टार्ट हो जाएगा उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा गर्म होने से तो जैसे ही आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा ये गैस टेल दिखेगी ये गैस टेल दिखेगी जो ब्लू कलर की दिख रही है और पास आएगा और हीट मिलेगी तो फिर इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना वो भी इसके सरफेस से दूर होना स्टार्ट होंगे और इस तरह की दूसरी टेल अपियर होगी जिसको हम कह रहे हैं डस्ट ट्रेल डस्ट टेल ये जो डस्ट टेल है जब ये अर्थ के पास से गुजरेगा तो ये जो डस्ट पार्टिकल है हमारे एटमोसफियर में आएंगे और हमें मिट्योरिक शावर के रूप में इस तरह से ये जो मिट्योर शावर होता है ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जब अर्थ के एटमोसफियर में आ रहे हैं फ्रिक्शन से बर्न कर रहे हैं जल रहे हैं ये एक तरह से तो ऐसा लगेगा तारे टूट रहे हैं बट दिस इज बेसिकली मिट्टी और शावर फाइन और ये जो ग्रीन कलर है क्यों देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में आप देखोगे साइनोजन या फिर जो डाइटोमिक कार्बन है ये होती हैं इसलिए ग्रीन कलर देखने को मिलता है ग्रीन कलर अगर आ रहा है इसका मतलब है कि बहुत ही ये अपनी मैक्सिमम उसके अंदर है आउटगेसिंग या इरेप्शन स्टेट के अंदर है ग्रीन कलर आ रहा है अगर केवल ब्लू कलर है मतलब वो उसका आ, जो हम कहते हैं ना कि गर्मी लेना उसने स्टार्ट किया है वहाँ पे जो भी आयोनाइजेशन है गैसेस का वो स्टार्ट हुआ है वो शुरुआत है ग्रीन कलर मतलब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है कहाँ कहाँ देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिसफियर में आप डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया में भी दिखेगा और ऐसा कहा जा रहा है एक दो फरवरी को काफ़ी क्लोज होगा तो बिल्कुल विजिबल होगा हमारे को। तो दिस मच यू शुड नो फाइन ये कॉमेट के बारे में थोड़ी चीजें ध्यान रखिए देखिए कॉमेट तो ये हमने देख लिया आईसी बॉडी होती हैं दैट रिलीज द गैस वेन इट इट इज ऑर्बिटिंग द सन इसके अलावा क्या होते हैं एस्टेरॉयड होते हैं जिनको शुद्र ग्रह कहते हैं एस्टेरॉयड जनरली हमें छोटे छोटे प्लेट से छोटी साइज के अंदर होते हैं जो अर्थ आ, जो इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो ये जो मार्स और जूपिटर है बीच में यहाँ पे यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट होती है सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड प्रेजेंट होते हैं तो ये ध्यान रखना ये भी इस तरह से ये चक्कर लगा रहे हैं और ये हमारा सोलर सिस्टम है सोलर सिस्टम में एक और चीज याद रखिएगा कि जो मरकरी बुद्ध है ये सबसे हॉट नहीं है सबसे जो गर्म ग्रह है वो है आपका वीनस क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप करके रखता है इसलिए शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है तो दिस एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ प्रेजेंट होती है ये ध्यान रख लो ये देखो ये एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रही है दीज आर एस्टेरॉयड इसके अलावा और कुछ टर्म है मिट्टी तो हमने देख लिया मिटियोरयड uh, क्या होता है कोई भी रॉकी या मेटेलिक फ्रेगमेंट चाहे वो एस्टेरॉयड का है कॉमेट का है उसको हम मिटियोराइड कह रहे हैं और जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो उसको मिटियोराइड कहा जाता है सम वर्ड्स यू शुड बी अवेयर एनवायरमेंट पे आते हैं एनवायरमेंट पे जो न्यूज है ये आपको मिलेगी यह है जल जीवन मिशन के रूप में और इस इसपे मिनिस्ट्री का खुद का भी प्रेस ब्रीफ है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रही है सरकार कह रही है कि देखो गाँव के अंदर हमने लगभग लगभग ग्यारह करोड़ रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन मतलब घर में नल का कनेक्शन यहाँ पे ग्यारह करोड़ हाउस होल्ड में दिया है ग्यारह करोड़ घरों में दिया है मतलब इससे लोग कितने बेनिफिट होंगे अगर एक घर में चार लोग भी हम ऑन एन एवरेज माने तो हो गया लगभग चालीस पचास करोड़ लोगों को बेनिफिट इससे हुआ है तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वेरी बिग थिंग क्योंकि आप देखोगे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है अगर हम सिटी में अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो ठीक है लेकिन आप गाँव में देखोगे तो वहाँ पर लोगों को इवन सिटी में भी कुछ जगह पर तीन दिन में पानी आ रहा है कहीं चार दिन में पानी आ रहा है गाँव में तो लोग दो दो तीन तीन किलोमीटर जा रहे हैं वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं ये स्थिति है तो ये जो पूरी मुहिम है जल जीवन मिशन की इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी इंश्योर किया जा रहा है क्योंकि जो महिलाएं हैं है ना उनको यहाँ पे आप थोड़ा सा ये फ़ायदा पहुँचा रहे हो और स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उनको अपना स्कूल स्किप नहीं करना है कि पानी लेने जाना है चलो तो स्कूल छोड़ के वहां जाए वो सारी चीजें तो जल जीवन मिशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें ध्यान रख रखो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में दो हजार में इसको लॉन्च किया ये हम बात करें रूरल एरिया के लिए हालांकि भारत सरकार ने जो बजट था दो हजार वाला उसके अंदर जल जीवन मिशन को अर्बन एरिया में भी लॉन्च कर दिया था और उसमें भी यही था कि हर हाउस होल्ड में हम क्या करेंगे 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर घर के अंदर पहुंचाएंगे है ना टैप वाटर कनेक्शन यहां पे देंगे बाय 2024 यही अर्बन एरिया के लिए भी गोल रखा है लेकिन एक डिफरेंस ध्यान रखना है रूरल एरिया में मिनिस्ट्री आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अर्बन जो ये मिशन है जल जीवन मिशन इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दोनों का मंत्रालय अलग है इसको ध्यान रखना यहीं से पूछ के और कंफ्यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स में नाउ दिस जल जीवन मिशन इंश्योर्स कंजक्टिव यूज कंजर्व वाटर ड्रिंकिंग वाटर ऑगमेंटेशन जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं उनको बनाए रखना जैसे ग्राउंड वाटर आ रहा है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना कोई सरफेस वाटर है, है ना तो उसके अंदर बारिश का पानी जा रहा है नहीं जा रहा है ये सारी चीजें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके क्या उसको एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं अब ये ध्यान रखो जल जीवन मिशन एक जो है जन आंदोलन है पीपल बेस्ड आपका ये पूरा मूवमेंट है कम्युनिटी अप्रोच यहाँ पे है जो लोकल कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है उसकी अवेयरनेस पे रहेगी जैसा आपने देखा होगा अटल भूजल योजना के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने किया था क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी इसका क्या मतलब है मान लीजिए किसी तालाब से पानी आ रहा है तो बारिश के अंदर उस तालाब के पास में पानी पहुंचे उसके उसका भराव हो अगर कोई छोटी इस तरह की नदी कुछ बह रही है तो बारिश के अंदर वहाँ पे पानी आए या फिर हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं अगर आप ग्राउंड वाटर से ले रहे हो तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो क्योंकि सस्टेनेबिलिटी कब इंश्योर होगी अगर आपने पानी ले लिया उसको रिचार्ज ही नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी तो आज आप देखोगे बहुत सारी नदियाँ हैं पहले लोग कहते हैं पहले यहाँ से नदी जाती थी आज वहाँ पर लोगों ने मकान बना लिए किसी ने कोई रिसोर्ट बना लिया उस पर कब्जा कर लिया इंक्रोचमेंट कर लिया तभी तो जो पहले डैम भरे होते थे वो आज सूखे पड़े हैं है ना डैम के अंदर इतनी बारिश हो जाए लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल पहले बहुत सारा पानी आता था पूरे शहर की जो नीड है वो पूरी हो जाती थी लेकिन अब जहाँ जिस रास्ते से पानी आ रहा है लोगों ने वहाँ एनिकट बना लिया इंक्रोचमेंट बना कर दिया किसी ने पूरा का पूरा रिसोर्ट ही बना दिया वहाँ पर और ये सब करप्शन के ही एग्जाम्पल है नेक्सस है है ना जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में तो दिस इज द थिंग ये चीज़ें ध्यान रखिए एक और छोटी न्यूज़ है क्या कह रही है कि अर्थ का जो इनर कोर है ये इसकी जो रोटेशन है ये स्लो हो रही है तो क्या अर्थ के मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं जो सरफेस है उसके पाँच हज़ार किलोमीटर नीचे है ना वो भी रोटेशन कर रहा है तो ये चीज़ सही है कैसे रोटेशन कर रहा है आप कहोगे सर नीचे तो सब कुछ सॉलिड है तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये आपने पढ़ा होगा एन के अंदर आप इसको देख लेना इलेवंथ क्लास की एन है उससे टॉपिक करोगे तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं है ये कह रहे हैं कि अब जो अब जो ये फास्ट रोटेट कर रहा था फास्ट रोटेट नहीं कर रहा है इसकी स्पीड स्लो हो गई है इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब चीज़ें नहीं कही गई है बस यही बताया गया है कि इससे स्पीड स्लो हुई है अर्थ की स्ट्रक्चर देखें तो ये जिस तरह से ऑनियन को पील करते हैं प्याज की परतें होती है उस तरह से रहेगी तो सबसे ऊपर जहाँ पे हम हैं यहाँ खड़े हैं ये क्रस्ट है हमारे यहाँ से लेके लगभग सौ किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट होती है उसके नीचे आप जाओगे तो मेंटल होता है और मेंटल का ही अपर मेंटल का एक पार्ट है जिसको एस्थिनोस्फियर कहते हैं एस्थिनोस्फियर में क्या होती है रॉक्स थोड़ी वीक होती हैं और जो आ, लावा आता है मैग्मा जिसे हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर ये है जब हम देखते हैं वॉलकैनो इरप्ट हो रहा है लावा निकल रहा है तो उसके लिए एस्थिनोस्फियर ये आपका है उसके नीचे आप जाओगे तो लगभग ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर तक ये मेंटल होता है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर से सिक्स थ्री सेवन एट किलोमीटर तक क्या है कोर है अब ये कोर भी दो पार्ट में डिवाइड है जो इनर कोर है ये तो है सॉलिड और आउटर कोर है ये लिक्विड या सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर है क्योंकि आउटर कोर लिक्विड या सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर है तो ये जो इनर कोर है ये इस तरह से रोटेट कर सकता है स्विंग कर सकता है फ्लॉट कर सकता है क्यों क्योंकि जो लिक्विड मेटल आउटर कोर है ये लिक्विड आपका है उसके अंदर ये जो सॉलिड वाला है ये इस तरह से मूव कर सकता है क्वेश्चन लेते हैं कुछ ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है एस्टेरॉयड और कॉमेट में डिफरेंस पूछ रहा है और तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एस्टेरॉयड स्मॉल रॉकी प्लेनेटॉइड्स होते हैं वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम फ्रोजन गैसेस फ्रोजन गैस से बने होते हैं जिसके अंदर मेटेलिक और रॉकी मिनरल्स होते हैं तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि बता रहा है कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं और कॉमेट क्या होते हैं सो इट लुक्स फाइन हियर

देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि कॉमेट हमने देखा कॉमेट जो है uh, काइपर जो बेल्ट है वो तो नेपच्यून के भी बियॉन्ड जा रहा है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है वेन यू नो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा नाउ यू नो दैट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग गो फॉर दिस एलिमिनेशन थिंग नाउ यू गेट योर आंसर बी इज द राइट कॉमेट्स आर शोइंग टेल आर नॉट शोइंग्रॉइड में कोई टेल नहीं है कॉमेट में तो टेल दिख रहा है ठीक है डी आंसर है ये यूपीएससी ने प्रॉब्लम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके रिलेटेड कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इसको आंसर करिए ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर पे आपकी जो है प्री क्लास है एक बजे जहां पे हम क्रैश कोर्स टाइप में पूरा आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं डेलीबरेटली आई पुट दिस क्वेश्चन हियर ताकि आप स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पता चले विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर नॉट द मुराल पेंटिंग मुराल पेंटिंग के लिए कौन कौन से प्लेसेज यहाँ पे जाने जाते हैं तो so, पेंटिंग आपको अजंता केव्स में देखने को मिल रही है वन ऑफ द फाइनेस्ट लिपाक्षी टेंपल में भी है लेट पीरियड की है बट स्टिल आर सांची स्तूमा में आपको स्कल्पचर मिलेंगे पेंटिंग्स नहीं है सो वन एंड टू बी इज द राइट आंसर ठीक है और स्टैटिक पोर्शन के रिगार्डिंग ये आर्ट एंड कल्चर पे एक आपकी फ्री क्लास होती है तो उसका लिंक भी आपका टेलीग्राम पे रहेगा शेयर यू हैव दिस ये टेलीग्राम चैनल है इस पे क्लास का लिंक शेयर होता है नोटिफिकेशन रहता है वंस यू गेट द लिंक ऑफ द क्लास मेक श्योर यू एनरोल इन द क्लास सो वंस यू

अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हो यू कैन बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे टॉपर्स अन अकेडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है उससे बेनिफिट ले चुके हैं सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ऑन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो वन पॉइंट सोल्यूशन है सारी प्रिपरेशन एक जगह पर अलॉन्ग विद ऑल अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जिसमें टेस्ट सीरीज भी है प्रैक्टिस सेट्स भी हैं आंसर राइटिंग भी है डाउट सॉल्विंग भी है स्टडी मटीरियल अपडेटेड विद करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद लेक्चर ये अभी आपको सारी जगह पे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है यू कैन यूटिलाइज दिस डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड आर बी लाइव ये कोड आपको यूज़ करना है नया बैच आपका ट्वेंटी सेवन जनवरी से स्टार्ट है इसके लिए एनरोल कर सकते हैं जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं एंड यू हैव दिस ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट हुआ है फाउंडेशन बैच इसके लिए भी जा सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल हियर सो दिस इज ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस हैव अ ग्रेट डे एंड uh, uh, लेट मी जस्ट विश यू अगेन बसंत पंचमी आज है तो जो गॉडेस हैं विजडम की जो गॉडेस हैं नॉलेज की उनका आज एक uh, ये मौका है ये पर्व है एंड वी कैन यूटिलाइज दिस फेस्टिवल हियर टू मेक सम कमिटमेंट्स है ना कोई भी एक छोटा सा स्टेप हम लें कि हाँ नहीं ये काम है जो मुझे रोज़ करना है क्योंकि आप देखेंगे का जो फेस्टिवल्स हैं इस समय पे काफ़ी पॉजिटिव एक वाइब्रेशन होता है एंड वट एवर वी रिजोल्यूशन वी टेक इट बेसिकली हेल्प्स अस टू परस्यू आर पर्टिकुलर कमिटमेंट देखिए आईपीएल का जो है उसमें मैंने आपको टेलीग्राम पे पुट भी किया था कि उसको हम जल्दी ही शुरू करेंगे तो फ्रॉम टमारो ऑनवर्ड्स इट इज श्योर फ्राम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल भी रिज्यूमिंग दिस आई पी एल क्रैश कोर्स जो आई पी एल का क्रैश कोर्स है कल से उसको हम शुरू कर रहे हैं ठीक है तो वो ऐसा नहीं है ख़त्म हुआ है आई वॉज हैविंग सम हेल्थ इशूज़ और वो जो इतना काम का बर्डन है वो नहीं हो पा रहा था तो ये रीज़न है ठीक है